नमस्ते, ओम नमः शिवाय। और आज जिंदगी का एक और साल आगे और पीछे हो चुका है। नमस्ते मम्मी जी। राम राम जी, हैप्पी बर्थडे आपको। बहुत बहुत मेरी उम्र भी आपको लग जाए। नहीं मम्मी जी, नहीं जी, नहीं, मेरी भी लग जाए आपको। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, दुगनी हो जाए। दुगनी हो जाए, मेरे बच्चे की उम्र दुगनी हो जाए। हाँ हाँ, तो आज हमें बर्थडे बॉय बनाया जा रहा है और काफी खुशी का दिन होता है सबके लिए मम्मी, है ना? खुशी बहुत खुशी का दिन है और आपके भी ढेर सारे विशेष में भी कमेंट्स में आप कर रहे होंगे, सो उसके लिए दिल से ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो सबके रिप्लाई कई बार करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए आपको अभी मैं अपनी और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। और बस प्रभु जी इतनी कृपा हम पे बनाए रखे, है ना मामू? सीखा ही दिया रही जब मैं, है ना, थी जी छोटड़ी का थी, तीन मैं चौं साल बड़ी पहली आयल पाई बुआ रे मुन्नू जब मैं छोटा जी है मुआ दी सारा छोटा जी है कर रही बड़ी चार है छोटा जी है छोटा जी मुँह है छोटा जी है बोले हैं छोटा जी है छोटा जी मुँह था छोटा जी है ना लम्बा छोटा जी इतना कर छोटा जी मुँह था मेरा। सब फिलहाल मम्मी चपाती बना रहे हैं और सब्जी में क्या बनाया? सब्जी की दाल सब्जी बनाई, सब्जी किस चीज की बनाई सब्जी मम्मी? बंद गोभी। बंद गोभी बनाई आज आपने, बहुत अच्छी। भैया बाहर तैयार होने को लगे हैं एकेडमी जाने तेरे के लिए। पनीर खिलाऊंगी हैं, मैं दिन में खा लूंगा मम्मी जी। तो दिन को खा लेना, दिन को भी खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे, दो दो घंटे खाएंगे करण लगता है ना। कोई नहीं, डाइट में चलता है मम्मी जी, है ना। ऊपर से नवरात्र लगे हैं तो नवरात्र के भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है मम्मी, है ना, तीसरा दिन है, तो अच्छे से सभी अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ है, सब करें, भजन कीर्तन सभी आई थिंक कर भी रहे होंगे जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, और साथ में अपने बच्चों और पतिदेव को भी साथ में बैठा के भजन कीर्तन करवाएं, है ना मम्मी? पतिदेव तो हमारे जियरे बैठे हैं ना ऊपर हैं, देखो ओ बबो नहीं बैठ नहीं बैठते हैं नहीं बैठते कहीं ये सुने हैं कहीं ये बांके सुन रहे हैं कहीं ये सुनी ना हाँ कल कुत्ती है ना ज्यादा प्यार आई के रहो, है ना। सो महादेव जी को तो शुक्रिया ही कहेंगे कि जो भी उन्होंने दिया है, और मांगने का कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान जी ने दिया है, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगा क्योंकि सबके विशेष होते हैं कि भगवान जी का देना, जो भी दिया है उसके लिए दिल से बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया हूँ प्रभु का जो भी उन्होंने दिया है, और बस यही कहेंगे कि प्रभु हमेशा अपना आप साथ दीजिएगा कोई जो भी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि मैं कहूँ भगवान दुख मत देना तब तो मैं फिर वो चीज़ सही नहीं होगी, है ना। तो जिंदगी का बात सुनाओ सुनाओ मम्मी की, सुनी है, सुनाई जरा, सुनी रही होंगी। अब मेरे को कैसे पता जब तक बोलोगे नहीं आप जी? भाई एक था ना भाई जी, फिर से भगवान ने बड़की की कर होंगी, तीन बोले भाई मांग के मांगना, बोले भगवान गरीब जे हो जाए, तीन बोले और तो कुछ नहीं भाई तू यार घड़ी मेरे कन्ने रहना पे, बोले ठीक है था, बोले तो मुझे भगवान मुझे पता की है लगना पे तू है मैं कने कन्ने है भाई, बोले तू चलना जे तो चार पैर हो करने पे, दो तेरे दो मेरे पे तीजो सुझ करना से, बोले ठीक है था, फिर तीन जब भगवान जिसने कन्ने अरगड़ी जिस याद करना था तीसो चलना जे तीस लगना पे दो पैर भाई भगवान रे दो मेरे कहना तीन से बड़ा बड़ा धनधारी बनी गया सब कुछ हो गया भगवान ने दिया थे, फिर कुदरत तीसरा जो लॉस लग गया होना घाटा बिजनेस वगैरह सब कुछ घाटा लग गया होना, तो तीन बोले भाई भगवान भाई मैं ते भाई रुष्ट हो गया कहना से चली गया, तो तीसरा भाई दिखना था पैर आनी बड़ भाई तीन दुख तकलीफ हो गई ना भाई, तो दिखना था पैर आनी दे रहे दो, फिर एक दिन इं चली गया तीस मंदिर चली गया जिते तीसो भगवान ने वरदान दिता हा भाई, चली गए जिते रोना लगे बड़ा भारी, बोले भगवान बोले दुनिया तो भाई साथ छड़े ना, पर मुझे और नहीं दुख भाई जान धन भी तैं दिता तू ले गए कोई गल नहीं, पर सज भी तो मेरा साथ छड़े भी सबसे बड़ा मुझे सह दुख आ, तिने बोले मैं नहीं तेरा साथ छड़ा, बोले तो तू तीजो मुसीबत आई ना तो मैं हूँ तीजो चक्की ने चली रहा से दो पग जे से मेरे आए कि ना तू जे तो मैं गोदी च लेना तीजो दुखा कने ना दे भाई जलने रही जैसे शक्ति दी तो ही बोलिया तो हूं तो जो उठाए ने ले रहा ना मैं तो तेरा साथ कभी छड़िया ही नहीं है पे तेरे पैर हां है
चलो जिंदगी का एक असूली है ना, सुख जितना है दुख भी आएगा, ये नॉर्मल सी बात है। बस ऐसा है कि सुख में ज्यादा उछलना नहीं है और दुख में सेम वही बात है कि दुख में देखने तो जाऊंगा उसमें दूध डालना ना। आओ अगर तू एक डोल ले जाएगा है ना मम्मी मीन नहीं वही चीज है ट्राई लेगेगा तो हम देना कुछ रख लेना दिन बस यही होता है कि जो हमारे पास है उसके लिए भगवान जी को शुक्रिया कहा और बस वही कहा कि भगवान जी जो सभी वक्त है अच्छा बोला जो कि आने वाले वक्त में है बस आप मेरा साथ दीजिएगा और बस मैं हिम्मत के साथ डटा रहूं उस चीज के साथ और अच्छा मैं भी आगे बढ़ूं। नमस्ते आपा जी, जय हो। तो फिलहाल यही है। सो अभी फिलहाल अपना प्रोटीन खाएंगे, केले केले हैं बच्चे मम्मी केले गल गए काफी ज्यादा, तो अब ये चीज़ें अभी दूध वगैरह जाके लाएंगे और बाहर ट्राईपॉड का हमारा काफ़ी लंगार यहाँ पे पड़ा हुआ है और अभी किचन में तो सारे भी काम करेंगे ही करेंगे। सो भी मम्मी भाया और ये तो यहाँ पे देखते हैं बाहर क्या है। सो बाहर हमारे ट्राईपॉड का वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे तो सारे के सारे बाहर यहीं पे पड़े हैं। सबका अपना रोल है, ये बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, जो एंगल में आप देख रहे हैं ये थोड़ा ऊपर रहता है, इससे नीचे नहीं जाता, जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, ये अभी इससे नीचे और भी जाएगा और ये इससे नीचे नहीं जाता है। तो जो वीडियोस हम ज़्यादातर इसे खड़े खड़े शूट करते हैं अपने फेस के लेवल के बराबर, तो ये ऊपर हो जाता है, ये भी काफ़ी ऊपर हो जाता है। और जब बैठे वाले वीडियो शूट करते हैं ज़्यादातर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मानिए हम नीचे ये बैठ रहे हैं तो वीडियोस अच्छी आती है क्योंकि कैमरा हमारे फेस के सामने जितना होता है उतना अच्छा वीडियो आता है, एंगल सामने से सामने आता है। और सभी लगे हैं हर दिन की तरह हमारे प्यारे चिड़ू अपने बच्चों को लिए खाना खिलाने, देखने भागेंगे, ये देखिएगा भागेगा नहीं, ये कितने सारे चिड़ू हो गए ना इधर, ये देखो भागेगा नहीं, ये चिड़ू किंग है, चिड़ू ये तो अपने बच्चों के लिए इधर पूरा खाने पीने के लिए लेके आ रहे हैं सुबह सुबह। और बस बहुत है प्रभु जी जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बस ये है कि देना भी हो भगवान जी कुछ, कभी लगे कि कुछ अच्छा काम कराए तो अपने बस अपने नाम बनाए रखना हमेशा मन में भी और अपने मुख में भी, ताकि मैं भगवान जी का नाम लेता रहूं और प्रेम से हमेशा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव राम राम जो भी हमारे भगवान जी हैं उनका मैं नाम हमेशा लेता रहूं। बस यही है। तो फिलहाल फटाफट अभी जाएंगे हम दूध लाने के लिए और मैंने मम्मी जी को कहा भी था कि देखिए आज बर्थडे है तो है ना कोई सरप्राइज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हर दिन की तरह जैसे हर दिन स्पेशल होता है, मेरा तो ये मानना है जन्मदिन तो एक ओकेज़न होता है कि चलो ये करना है वो करना, लेकिन हर दिन बहुत ख़ास होता है, हर दिन खुल के जीते हैं और ये भी दिन हमारा वैसे ही है, फुल ऑफ एंजॉय फुल ऑफ खुशी के साथ, और सबको ऐसे ही जीना चाहिए। बर्थडे के दिन खुश होते हैं ना, तो हर दिन वैसे करो जो दिल कर रहा है वो करो, फुल मेहनत करो और आगे बढ़ते रहना है हमेशा। अभी कालू है मम्मी जी, ये लहसुन का रखे हैं मम्मी जी बाहर, लहसुन और 10 रुपये यहाँ पे रखे हुए हैं है मम्मी जी। क्या हो गया, क्या हो गया, चुप हो गए कोई सीक्रेट पार्ट चली हुई थी क्या मम्मी जी, कुत्ते आए रे, नहीं कोई नहीं आया मम्मी, देसी घी ये थोड़ा लग सा, कैसे लग रहा है मम्मी जी, मैसिरा है, इससे पहले हम किसका खा रहे थे तो मैसिरा है, मैसिरा ही ऐसे कीड़ा ताजा नहीं हुआ, अच्छा ताजा से को तो बस फेर लगा दे ना दूगा जो ज्यादा काड़े तो कीड़ा हो गया, कीड़ा तो थोड़ा लाल जे हो जा, सही से बढ़ जावा वो सुहा दो, हां सुहा दूंगा, ये चीज सही है, थोड़ा घट होगा। और अभी भाई चपाती और सब्जी डालने के लिए यहां पे पैक कर रहे हैं और लवली भाई को खिलाएंगे परांठे मम्मी आप कमजोर कितने किलो के कमजोर है, 60 हैं ओनली 60 के, कुछ सालों पहले का नहीं पूछ रहा हूँ अभी का, 60 नहीं है मम्मू हम शूट नहीं बोलना चाहिए भाया, चलिए हम सिंगल चेक कर ले ना, 60 किलो 60 किलो मम्मी आप बताओ है मम्मी
आप बताओ 60 किलो में भाया कितने होगा? 60 किलो तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसमें इनका अपना ओपिनियन है। तो फिलहाल अभी मैं दूध लाने जाऊँगा और अपना शेकर देखते हैं कहाँ पर है। फटाफट ऐसा है कि केले डाले उसमें और फटाफट शेक बन जाएगा। तो मैं भी शेकर हमारा है यहाँ पर। सुप्रेम से बोले हर हर महादेव और दिल से ढेर सारा प्यार सभी के लिए। खुशी से रहें, प्यार से रहें और भजन कीर्तन करते रहें।